किताब में था कहना मानते हैं बेटे। नहीं टाइम सोया हुआ था ना। हाँ आज जी हम इस नाइट क्रीम के बारे में बात करेंगे। ये है ऑर्गेनिक लैब की। इसका नाम ही है, सही पता चल रहा है, ग्लास स्किन रिजुविनेटिंग। इसका मतलब है जी गिव्स न्यू एनर्जी। आप लोग की जो स्किन है ना उसको न्यू लाइफ मिल जाएगी। इससे रिंकल्स ख़त्म होंगे, फाइन लाइंस ख़त्म होंगी, एकदम जो डलनेस आ जाती है चेहरे पे उसको ख़त्म करता है। लेकिन ये 25 से प्लस लोगों के लिए, 25 से लेके ऑनवर्ड्स, क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो रेटिनॉल है। रेटिनॉल 25 से कम वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। मैं आप लोग को इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ, बाकी बातें करते हैं। मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, ये रीस्टॉक भी हो गई और इन्होंने अपना एक सीरम भी भेजा, वो भी देख लेते हैं। ये बहुत अच्छी है। हाँ जी, ये मैंने फ्लैश ऑन कर लिया आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखाने के लिए। सबसे अच्छी इसकी बात ये ऑयली बिल्कुल नहीं है, ना ही ड्राई है। इतने इसका टेक्सचर ऐसा स्मूथ सा टेक्सचर है, मुंह पे लगाते सारी ना सुकून आ जाता है, एकदम ना ग्लोसी आ जाती है मुंह पे। उसके बाद जी इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है और इसको सिर्फ हमने इतना लगाना है, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो फिर वो चीज़ सही नहीं रहती। सिर्फ हमने एक पंप प्रॉपर इसको पंप करके, ये देखिए इतना पंप ये अप्लाई करना है। इससे ज़्यादा हमने मुंह पे अप्लाई नहीं करना है इसको। फ्रेगनेंस इसकी बहुत अच्छी है, टेक्सचर भी देखें इसका कितना मज़े का है। 25 से प्लस वाले ले सकते हैं, मेरी तरफ से जी ये रिकमेंडेड है। और जी ये वाला सिरम है ग्लास स्किन रिफाइनिंग सिरम। अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ। और एक और बड़ी ज़रूरी बात इस सिरम के बारे में, रेटिनॉल जब अप्लाई करते हैं तो आपके पोर्स क्लीन होते हैं। पोर्स क्लीन की वजह से क्या होता है, जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है ऊपर थोड़े से आ जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी भी ब्रांड का रेटिनॉल यूज़ करें तो हफ्ते में 2 दफ़ा एक्सफोलिएट करना मस्ट होता है। एक्सफोलिएट का मतलब है कोई भी ऐसा फेस वॉश या कोई भी ऐसी चीज़ जो स्क्रब का काम करे, हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना ताकि जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड ऊपर की तरफ आए हुए हैं वो निकल जाए। चलें जी, बाकी पेज वगैरह टैग है, आप लोग इन्फॉर्मेशन बाकी पेज से ले लें। ये जी जो खुसे हैं टीजे के डिज़ाइंस के हैं, एक एक पेयर मैंने रखा है ताकि आप लोग को दिखा सकूं। ये देखें, ये थोड़ा क्लोजअप है, गोटे का काम है, तिल्ले का काम है। और जी हाँ जी, गोटे और तिल्ले का काम है, ये मोती का काम है और तिल्ले का काम है। फिर जी ये कट मोती है और लॉन्ग मोती है, धागे का काम भी है। और ये कट मोती है, कट मोती दाना है, धागा है और नीचे लेस भी लगी हुई है। ये सब डिज़ाइन है, ये 9 साइज़ है, ये 8 है, ये 9 है और ये 8 है।